नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपके अपने गार्डनिंग चैनल बर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस में। और दोस्तों, ये मेरे घर के साइड में बिल्कुल लगती हुई एक जगह है जहां पे मैंने प्लान बनाया एक मिनी फॉरेस्ट बनाने का। तो इस मिनी फॉरेस्ट में मैं तकरीबन 50 अलग अलग पेड़ों की वैरायटी लगाने वाला हूँ। और इस मिनी फॉरेस्ट के चारों तरफ जो है हेज की तरह, एक बाड़ की तरह मैं अशोका जो ट्री है, फॉल्स अशोका ट्री, वो प्लांट करने वाला हूँ। तो मुझे टोटल अभी 20 प्लांट फॉल्स अशोका के लगाने पड़ेंगे, जिसमें से 5 जो है प्लांट मैं अभी आज लेके आया हूँ और उन 5 प्लांट को मैं लगाने वाला हूँ। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि फॉल्स अशोका ट्री को हम कैसे लगा सकते हैं, साथ ही साथ कैसे उस प्लांट की हमें केयर करनी है ताकि वो ये फॉल्स अशोका का जो प्लांट है ये अच्छे से ग्रो करे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इस जगह को धीरे धीरे एक फॉरेस्ट में तब्दील होता देख सके और डिफरेंट ट्री मैं इस में जो लगाने वाला हूँ इस जगह में, उस उन सभी प्लांटों की केयर कैसे करें, उनको कैसे लगाएं, वो भी मैं आपको गाइड करूँगा। तो इस रेनी सीजन में अगर आप कोई प्लांट लगाने वाले हैं तो मेरे साथ साथ आप प्लांट लगा सकते हैं, और उस प्लांट को लगाने के तरीके के साथ साथ उन सभी प्लांटों की केयर कैसे करें ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अभी शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये है मेरे फॉल्स अशोका के 5 प्लांट। फॉल्स अशोका दरअसल दोस्तों रियल अशोका ट्री नहीं होता है, ये बिल्कुल हाइट में लंबा ग्रो करता है। और जो रियल अशोका ट्री जो होता है वो गोलाई में, और एक मतलब उसकी गोलाई ज़्यादा होती है, हाइट जो है उसकी कम होती है। फॉल्स अशोका जो है वो हाइट में काफ़ी बड़ा ग्रो करता है। फॉल्स अशोका का दोस्तों बोटनिकल नेम होता है पोली एल्थिया लोंगीफोलिया। तो लोंगीफोलिया मतलब जिसके बड़े पत्ते हों, उसको इसका मतलब जो मीनिंग निकल के आता वही है। तो इसके जो रियल अशोका जो ट्री होता है उससे बड़े इसके लीव्स होते हैं, इसलिए इसको लोंगीफोलिया भी बोलते हैं। और ये प्लांट जो एवरग्रीन प्लांट है, ये हर सीज़न में ग्रीन रहता है। ये प्लांट मतलब सूखता नहीं है या पत्ते ड्रॉप नहीं करता है अपने किसी एक सीज़न में। तो ये भी एक कारण है कि क्यों मैं इसको हेज प्लांट की तरह मतलब अपने फॉरेस्ट के चारों तरफ लगाने वाला हूँ, ताकि ये एक अच्छा कवर दे पाए हर सीज़न में। बीच में जो प्लांट लगे होंगे उनको हार्श जो है गर्मी या सर्दी से बचा सके, तो इसलिए मैं इनको चारों तरफ लगाने वाला हूँ। और तकरीबन 20 प्लांट मुझे लगाने पड़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया, और उसमें से 5 प्लांट अभी मेरे पास है। तो दोस्तों, जब भी आप प्लांट लगाने लगे तो सिर्फ फॉल्स अशोका ही नहीं, अगर कोई और भी प्लांट लगा रहे हैं तो सबसे पहले आप जो गड्ढा जिस जो खोद रहे हैं उसमें आप ध्यान रखें कि इसकी जो हाइट है जहाँ से ये स्टेम ख़त्म हो रहा है इस पॉलीथीन में, वो और ग्राउंड का लेवल बिल्कुल एकदम सेम हो। इससे ज़्यादा हाइट आपको नहीं खोदनी है, और जो चौड़ाई है गड्ढे की वो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा हो। जो आपका पोली बैग जिसमें ये प्लांट आया है उससे 3 गुना चौड़ाई में ज़्यादा गड्ढा खोदना है, और सेम उसी हाइट का गड्ढा खोदना है। इसके बाद आप इसकी जब पॉलीथीन रिमूव करेंगे, तो मैं इसके अभी एक बार पॉलीथीन रिमूव कर देता हूँ। तो पॉलीथीन जब कभी भी रिमूव करेंगे तो नर्सरी से आए प्लांट में एक खासियत होती है कि इनकी जो जड़ें होती है वो जिस मिट्टी में ये प्लांट लग के आता है ओरिजिनल मिट्टी, उसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आ जाती है। फिर इसके बाद इस प्लांट को जो है जो जिस मिट्टी में आप लगाने वाले हैं उसमें ग्रो करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा जब भी आप कभी प्लांट लगाए नर्सरी से लाके अगर लगा रहे हैं तो एक बार हाथ से ऐसे मिट्टी को जो इसका रूट बॉल है उसको एक बार चारों तरफ से ऐसे खुरच जरूर दीजिए, ताकि जो इसकी रूट्स है आप जिस नई मिट्टी में इसको लगा रहे हैं उसमें ये ग्रो करने के लिए जो है ये ग्रो करना शुरू करे। वरना क्या होगा, क्या जिस मतलब रियल मिट्टी में ये शुरुआती जिस मिट्टी के अंदर ये प्लांट लग के आया है उसी के अंदर जो है सर्कुलर फोरम में ये ग्रो करती रहेंगी, और जैसे जैसे प्लांट बड़ा होगा और रूट का साइज़ बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे बिल्कुल रूट्स इसकी चोक हो जाएंगी और ये प्लांट जो है मरना शुरू कर देगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। नीचे से भी इसकी जो है मिट्टी आप ज़रूर एक बार हटाइए, वरना इसकी जो टैप रूट होती है, जो बड़ी जो रूट होती है वो नीचे ग्रो करने में उसको दिक्कत होती है। और साइडों से एक बार अच्छे से इसकी मिट्टी को रिमूव करके इसकी जड़ों को एक बार ये मैसेज देना है, एक तरह से ये इसके लिए एक मैसेज होता है जड़ों के लिए कि अब इसको एक्सटर्नल कुछ एनवायरनमेंट मिलेगा जिसमें इसको ग्रो करना है। तो ये आप हमेशा कोई भी प्लांट लगाए आप ये एक्सरसाइज ज़रूर एक बार कीजिए। उसके बाद जिस गड्ढे से जो मिट्टी निकाली है उसी मिट्टी को दोबारा इस गड्ढे में दोबारा से हमें भरना है, और बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ से इस रूट बॉल के चारों तरफ से हमें दबा के इस मिट्टी को भरना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि अगर इसमें एयर पॉकेट कोई रह जाती है, कोई ऐसा एरिया रह जाता है जहाँ पे कि एयर घुसने का चांस रहता है, तो रूट्स जो है एयर के कॉन्टैक्ट में लगातार रहती तो रूट्स मरना शुरू कर देती है, तो ये प्रॉब्लम बाद में बन सकती है। और ये मैंने नर्सरी में जो प्लांट लगाने वाले जो
जो ऑफिशियल जो बंदे होते हैं जो मैंने जिनसे लगवाया है उनसे मैंने ये सीखा है कि जो ये रूट बॉल होता है, इस रूट बॉल के चारों तरफ, रूट बॉल का थोड़ा ध्यान रखना है, बिल्कुल स्टेम के पास से आपको ऐसे प्रेस नहीं करना है। एक बार आप पैर से मिट्टी अगर ऐसे अच्छे से दबा देते हैं तो उससे जो इसके अंदर कोई एयर पॉकेट वगैरह का चांस होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन बिल्कुल स्टेम के पास से ना दबाए, क्योंकि इसकी जो छोटी छोटी रूट्स होती है स्टेम के आसपास, अगर उस पर आप ज़्यादा प्रेशर डालते तो वो टूट सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद हाथों हाथ जैसे ही आप इसको प्लांट को लगाए, हाथों हाथ इसमें वाटरिंग आपको कर देनी है। तो दोस्तों ये तो हो गया कि कैसे इस प्लांट को हम लगाए, अब इसकी केयर के बारे में हम बात कर लेते हैं। जब भी आप कोई प्लांट लगाए तो प्लांट लगाने के 15 या 20 दिन बाद तक आप इसमें किसी तरह का कोई फर्टिलाइज़र ऐड मत कीजिए, क्योंकि प्लांट जो है अभी ग्रो कर रहा है, उसमें आप हैवी फर्टिलाइज़र अगर ऐड कर देते हैं तो प्लांट जो है उसके लीव्स और रूट बर्न करने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसके बाद अब इसमें आप जब इसकी जो एज है 2 या 3 साल तक, इसको फर्टिलाइज़र जो है बीच बीच में आप कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। और वाटरिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हफ्ते में एक बार इसमें वाटरिंग ज़रूर करनी है गर्मियों में, और सर्दियों में इसमें 15 या 20 दिन में एक बार वाटरिंग आप ज़रूर कीजिए। जब ये प्लांट 2 या 3 साल की एज अटेन कर लेता है तो इसको वाटरिंग और जो इसकी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू कर देती है, क्योंकि इसकी रूट्स जो है वो फिर खुद से ग्राउंड में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे फैल के अपने आप से न्यूट्रिएंट पिक करना शुरू कर देती है। तो इसके पास, इसकी रूट्स के पास एक लंबा चौड़ा एरिया होता है जहाँ से ये अपने न्यूट्रिएंट पिक कर पाए। लेकिन शुरू के 2 से 3 साल जैसे आपको बताया उस तरह से इसकी एक बार केयर आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।